हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फाइन ब्लॉग्स। एक बार फिर से नई सुबह की शुरुआत होती है और हम जा रहे हैं इस टाइम नोएडा, और विजिट है हमारी एक भैंस को लेकर जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है। वहीं चल के देखते हैं हम क्या केस हिस्ट्री है उसकी और क्या परेशानी है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सनराइज़ काफ़ी है, आप कार में देख सकते हैं, आप बहुत तेज़ धूप है और गर्मी की भी शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। इस गर्मी को देखते हुए हमें, और रमज़ान शरीफ भी चल रहे हैं तो दोनों तरफ से हमें काम भी करना है और साथ ही साथ हमें रमज़ान भी रखने हैं, और अपनी दिनचर्या में जो हम काम करते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे आपका जो भी फील्ड हो। लेकिन आज हमारा जो केस है वो है सुबह ही लंबा लॉन्ग रूट पड़ा, क्योंकि लोकल का जो फील्ड है, लोकल का अभी रमज़ान की वजह से लोग थोड़ा लेट उठते हैं तो प्रॉपर तरीके से उनको पता नहीं पड़ पाता उनका पशु की क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, चारा खाया नहीं खाया, तो रूटीन भी चेंज हो गया है। क्योंकि अगर थोड़ा मौसम भी ऐसा है, मौसम में परिवर्तन होने की वजह से लोगों का दिनचर्या भी बदल गया है और टाइम टेबल भी बदल गया है। और अब हम चल रहे हैं सीधे नोएडा की तरफ, भैंस देखेंगे। तो गाइज, हम विजिट पर आ गए हैं, जो हमें विजिट कंप्लीट करनी है। ये केस है प्रेगनेंसी को लेकर। ओनर भाई का कहना है कि इसका जो टाइम है डिलीवरी का 11 महीने ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक बयान नहीं रही है। यहाँ पर जो लोकली डॉक्टर थे उन्होंने चेक कराया था जब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन चारा कम खा रही है, थोड़ी टांगों पर स्वेलिंग है और जुगाल भी बराबर कर रही है, लेकिन ब्याने में समस्या है। तो अब हम इसको पूरी तरह प्रैक्टिकली लक्षणों को देख रहे हैं कि कितना समय लगेगा ब्याने में, क्या ग्याविन है या नहीं। तो अभी हम इसको प्रेगनेंसी देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है अंदर से। तो हमने मस्टर्ड ऑयल मंगवाया है, और यहाँ पर गाइस आज मेरे ग्लिप्स भी ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह हाथों पर मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे जिससे कि भैंस को कोई दिक्कत ना बने। तो मैंने हाथ पर अपने मस्टर्ड ऑयल लगा लिया है, और धीरे धीरे हम एनएस में हाथ डालेंगे और जितना भी मल है हम इसको निकाल देंगे। ये देख सकते हैं, पूरे हमें रेक्टम से गोबर निकालना पड़ता है, तब जाके आगे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। हल्का पशु जोर भी मारता है ऐसे सिचुएशन में, तो बहुत ही सावधानी तरह से हमें पशु को चेक करना है। ये देख सकते हैं, धीरे धीरे हम जाएंगे सर्विक्स को पकड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में सर्विक्स बहुत ज़्यादा फूली होती है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, लेकिन हमें डायग्नोसिस करना है कि बच्चा की क्या कंडीशन है। और पिछली बार जब ये भैंस भी आई थी तो इसकी बच्चेदानी में अल्टा लग गए थे, यानी ऐठन लग गई थी, जिसकी वजह से ब्याने में असमर्थ थी। ओनर को डर है कि कहीं अब की बार भी इस तरह की समस्या ना बने, तो इसलिए हमें इसको दिखाना पड़ा, ओनर का कहना है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का टॉर्शन नहीं है, बच्चेदानी बिल्कुल नॉर्मल वे में है। और साथ ही साथ मैं बच्चे की बात करूँ तो बच्चा ऊपर की तरफ है, समथिंग इसको जो ब्याने का समय है 1 वीक अभी ले जाएगी ब्याने में, और 1 वीक के अंदर अंदर ये ब्या लेगी। यहाँ पर मैं अडर की बात करूँ तो अडर आज से कुछ महीने पहले इसको फेनोमोनिया बना था, तो नज़दीकी डॉक्टर से इन्होंने ट्रीटमेंट कराया और उसमें जो एंटीबायोटिक लगे थे, जो इनका कहना है शायद उसकी वजह से जो अडर है वो इस ज़्यादा ना कर पाई, क्योंकि एंटीबायोटिक लगने की वजह से जानवर की जो दूध की साइकिलिंग है वो थोड़ा कम हो जाती है। कभी कभी भैंस ऐसा भी होती है कि ब्याने के कुछ घंटों के बाद ही, ब्याने से पहले या ब्याने के बाद जड़ करती हैं, लेकिन अभी अडर में इतना फुलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इसके पुट्ठों को देखकर और अंदर बच्चेदानी की कंडीशन को देखकर लमसम इसमें समय जो लगेगा वो 1 वीक के करीब लग सकता है, क्योंकि टांगों पर स्वेलिंग आनी, पुट्ठे तोड़ लेना और साथ ही साथ पिछला हिस्सा ढीला कर लेना, ये नॉर्मली लक्षण होते हैं। और जब क्लियर कट लक्षण आ जाएंगे तो यहाँ पर इसको पतला गोबर करने लगेगी, पुट्ठों में बिल्कुल गड्ढे हो जाएंगे। तो मैंने इनको सजेशन दिया कि इसको आप कैल्शियम की बोतल एक चढ़वाएँ, जिससे कि इसको आराम मिलेगा, ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी।
तो यहाँ पर हम इसको एक माइफेक्स की बोतल लगा रहे हैं, जो कि इसको ब्याने में कोई भी समस्या ना हो, थकान महसूस ना हो और आसानी से ब्या जाए। तो इस तरह से आपने डायग्नोस करा और इसका इलाज करा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।